हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया अपना नया विंडो इनसाइडर बिल्ड 18.3.2.3। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं, और मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके अंदर आपको खास फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हालाँकि ये फीचर आप 2 दिन पहले ही ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये जो है विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज और रिवोल्यूशन कॉपी है बिल्ड 18.3.2.3 का। अब आप यहां पर से देख सकते हैं, यहाँ पे 18.19.H1 भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक रिलीज वर्जन है, प्री रिलीज नहीं है। तो ये रिलीज वर्जन है और आई थिंक ये फाइनल होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद कोई चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे और ये वर्जन 19.03 के रूप में देखने को मिल सकता है फाइनल लॉन्च पे। तो मैं आपको यहाँ पर से दिखा देता हूँ, इसको मैंने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया था। वीडियो में थोड़े से देरी से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 25 तारीख को अनाउंस किया था और 24 के शाम को US में लॉन्च किया था। तो उस टाइम पे इंडिया के अगर टाइम से देखा जाए तो यहाँ पे 25 का सुबह हो गया था। थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होने की वजह से मैं वीडियो देरी से अपलोड कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो क्या कुछ खास फीचर्स है आपको वीडियो में देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है ये जो है वो है रॉ इमेज एक्सटेंशन का। तो ये फीचर आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है रॉ इमेज एक्सटेंशन, जो कि आप यहाँ पर से इसको इंस्टॉल करके अपने एक एक्सटेंशन है और ये अभी बीटा फॉर्म में है, तो ये फाइनल अभी ऑफिशियली जो लॉन्च होगा उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इससे ये एक फ़ायदा हो जाएगा आपको कि इसमें आपको जैसे कोई रॉ इमेज व्यूअर आपको इसमें एक तरह से देखने को मिल जाता है, जो कैप्चर करते हैं, रॉ इमेज को कैप्चर करते हैं। तो इसके अंदर आपको प्रीव्यू और थंबनेल वो सारे आपको देखने को प्रीव्यू और थंबनेल सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये आप अगर यहाँ पर से जाके देखते हैं, इसे सर्च करेंगे जाके इसमें स्टोर में, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। जो है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर से जाके आप इसको क्लिक करके और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अभी बीटा फॉर्म में है, इसीलिए आपको यहाँ पर से फुली देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर से इसको जाके एक बार आपने जो लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है। इसके बाद मैं अगर फीचर की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर से आप सेटिंग में मैं जाके दिखा देता हूँ। तो ये जो है सेटिंग का होम पेज है, यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जैसे वन ड्राइव का है, आपके आपका फ़ोन जो लिंक है या नहीं है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है विंडो अपडेट है या नहीं है, तो मेरा विंडो जो है वो अप टू डेट है। और इसके साथ अगर आपने यहाँ पर आपके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं, तो मेरे पास अभी कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है, मैंने कुछ परचेज नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट से, तो मुझे कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिले। तो अगर आपने कुछ परचेज किया है तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि थीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किया गया है आपको ये फॉन्ट देखने को, और ये जो है ब्लर वाला इफेक्ट जो है इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किया जा रहा है ये इम्प्रूवमेंट्स। और इधर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये जो कुछ जैसे 18.2.82 जो फीचर बिल्ड था उसके बाद जो यहाँ पर से लाइट थीम का फीचर मिला है आपको, इसमें लाइट थीम में काफ़ी ज़्यादा आपकी बार भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं कुछ इसके अंदर अगर बग्स की बात करूं और कुछ जो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है अपने ऑफिशियल पेज पे, तो इस तरह से आपको जो है वो प्रॉब्लम जो कि इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप ये सर्च करते हैं यहाँ पर से, इसके अंदर जो विंडो के अंदर जो विंडो सिक्योरिटी का जो एप्लीकेशन आप इसमें विंडो में काम करता है, वो आपको इसमें थोड़ा सा आपकी बार जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये क्रैश हो सकता है या फिर ये पूरी तरह से ये थोड़ा सा कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है। अब की बार जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट के बाद जो उन्होंने टेस्ट किया है उसमें इन्होंने बताया हुआ है। और इसके बाद इसमें नाइट लाइट में भी कुछ फंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद रिसेट परफॉर्म कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर में, तो अपने डाटा का बैकअप ले लें जरूर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत मेरे ख्याल से देखने को मिल रहा है। कुछ रियलटेक जो SD कार्ड होते हैं वो अलग से जो स्लॉट होते हैं उस पर कुछ फंक्शन में दिक्कत आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। कुछ USB के अंदर भी दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में दिक्कत हो, लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ प्रॉब्लम अगर फिक्स कर रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको ये नेक्स्ट अपडेट में जो कि है वो फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये जो कुछ खास इश्यूज जो देखने को माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि ये कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कई कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी इसके अंदर किए गए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैं अपने विंडो में यूज़ कर रहा था तो इसके अंदर आपको ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पर से, इस तरह से मुझे ये अपने आप ही शट डाउन हो गया था मेरा CPU और इस तरह से मुझे मैसेज मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम भी अगर आपके पास है तो वो भी आपको इसमें फिक्स होके मिलेगा।
या फिर अगर किसी और को कोई दिक्कत आ रही है तो वो नेक्स्ट अपडेट में वो फिक्स हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो कुछ इसके अंदर जो इन्होंने जो कुछ बग्स को जो फिक्स किया है, काफ़ी बग्स है जो अब की बार इन्होंने फिक्स किया है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो ये तो अभी चलता रहेगा थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से ये फाइनल है, तो अब की बार जो फाइनल अनाउंसमेंट होगा उसमें ये सब कुछ फिक्स कर देंगे और इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं जो फिक्स हुआ है उसके अंदर जो लिस्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें कोर्टाना का जो है, कोर्टाना के अंदर इम्प्रूवमेंट्स किया गया है क्योंकि अब ये सेपरेट हो गया है सर्च इंजन से, विंडो सर्च से थोड़ा सा ये अलग हो गया, तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्निपिंग टूल में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो वो भी अब की बार फिक्स कर दिया गया है, और कंट्रोल भी अगर आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा था तो वो भी अब की बार आपको फिक्स देखने को मिलेगा। कई हैं लिस्ट में, वो सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को इसके अंदर मिल गए हैं। तो इसमें कुछ खास अपडेट अब की बार माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस नहीं किया है। तो बस दोस्तों यही थे कुछ खास अपडेट्स जो कि मैं आपको बताने वाला था इसमें। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल बॉक्स में सबसे पहले पाते रहें। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपके वीडियो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।